10 तक आ जाएगी कांग्रेस की लिस्ट। प्रियंका गांधी 5 अक्टूबर को एमपी के दौरे पर। नमस्कार, मैं अंजना द खबरदार न्यूज से। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस की चुनाव अभियान समिति के सदस्य अरुण यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा 5 से 10 अक्टूबर के बीच हो जाएगी। पार्टी में प्रत्याशियों को लेकर मंथन चल रहा है। मेरी पार्टी में चर्चा हुई है, 5 अक्टूबर को प्रियंका गांधी के एमपी दौरे के बाद पहली सूची आएगी। उन्होंने कहा कि एमपी में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जन आक्रोश यात्रा की समाप्ति के बाद कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। अरुण यादव आज सुबह सागर में जन आक्रोश यात्रा के दौरान मीडिया से चर्चा कर रहे थे। बुंदेलखंड अंचल में अरुण यादव के नेतृत्व में यात्रा निकाली है। भ्रष्टाचार से बढ़ा आक्रोश जनता में। कांग्रेस नेता अरुण यादव ने कहा कि बुंदेलखंड की जनता में बीजेपी सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर बेहद आक्रोश है। भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे पर जनता की नाराजगी चरम पर है। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। केंद्र में जब यूपीए की सरकार थी उस समय बुंदेलखंड पैकेज के लिए 7200 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे, किंतु राज्य की बीजेपी सरकार ने उस राशि का बेहद दुरुपयोग किया, जिससे इस अंचल में ठोस काम नहीं हो सके। बड़ी राशि से बनाए गए तालाब एक ही बरसात में ध्वस्त हो गए। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बेहद कमजोर रही, जिससे अब इस अंचल में बुंदेलखंड पैकेज की राशि के विकास कार्य नजर आते हैं। यादव ने कहा, जन आक्रोश यात्रा की समाप्ति के बाद कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। हर कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार है, किंतु मुझे विश्वास है कि टिकट वितरण के बाद सभी कांग्रेस जैन एकजुट होकर पार्टी को विजयी बनाने के लिए काम करेंगे। कांग्रेस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित अन्य राष्ट्रीय नेताओं की प्रदेश में सभाएं आयोजित करने का कार्यक्रम बनाया है। 18 साल सत्ता में रहने के बाद बीजेपी ने जरूरतमंद लोगों की मदद नहीं की। अब कांग्रेस के वचन पत्र की कॉपी कर बीजेपी जनता को लुभाने का काम कर रही है। यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में बड़ी संख्या में घोटाले हुए हैं, किंतु सत्ता में बैठे प्रतिनिधि इन घोटालों को दबाने का काम कर रहे हैं। जांच कमेटी या बना दी जाती है, किंतु वह कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, जिससे घोटाले करने वालों को अब तक दंडित नहीं किया गया। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।